their class 3 students. This is your English language class, and we all know that we are learning lesson number 1, A good boy. And we also know that we had solved section A, comprehension section. And today I will solve section B, vocabulary. Here is asking that read the following list of time expressions. Order them correctly from first to last. Means here are given some time period. Here like half an hour ago, half an hour ago, last night, tomorrow, now, yesterday evening, 5 minutes ago, the day before yesterday, last Sunday, last year, next week in 2020. These are time period. I'm saying that arrange it first to last correctly. Means इसे जो है correctly आप जो है order में सजाएं first to last. First to last जब कहा जा रहा है means which is far away, that is first. जो time period हमसे ज्यादा दूर है वो first है, और उसके बाद उससे उसको लिखने के बाद जो बचता है वो जो सबसे ज्यादा दूर है वो क्या है, फर्स्ट है. इसी तरीके से हम सीक्वेंस में समझिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे. टाइम पीरियड को फार अवे को असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे. या यूं कहिए कि हम जितना दूर है उसको पहले, और उसके बाद जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा उसे लिखते जाएंगे नीचे. इसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं. जैसे कि हम ऊंचे से नीचे आ रहे हैं, ऊंचे से नीचे आ रहे हैं, दूरी से नजदीकी की ओर आ रहे हैं. तो देखिए ये टाइम पीरियड है. जैसे इसमें हम देखते हैं तो एक है यहाँ इन 2020. इन 2020 अगर इसे हम देखते हैं तो अभी 2021 है. इसके अकॉर्डिंगली ये 2021 हो गया तो ये हमसे बहुत ज्यादा दूर हो गया. लास्ट ईयर जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर हम कहते हैं तो 2020 तो हुआ. अभी जैसे मान लीजिए मार्च है, अप्रैल है, अगर अप्रैल के हिसाब से हम कहते हैं, अगर जनवरी का 2020 जनवरी 2020 हो तो क्या हो, सबसे ज्यादा दूर हो गया. तो इसलिए हम इन 2020 को सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद इसके बाद बचे हुए में सबसे फार कौन लग रहा है, सबसे फार पीरियड में सबसे दूर जो है वो लास्ट ईयर लग रहा है, तो हम लास्ट ईयर को उसके बाद लिखेंगे. उसके बाद देखते हैं तो लास्ट संडे ये सबसे दूर लग रहा है तो हम लास्ट संडे लिखेंगे. उसके बाद देखते हैं कि द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे परसों ये दूर लग रहा है तो इसको लिखेंगे द डे बिफोर यस्टरडे. उसके बाद यस्टरडे इवनिंग ये दूर लग रहा है इसे लिखेंगे यस्टरडे इवनिंग. उसके बाद लास्ट नाइट ये उसके बाद इन जितना लिख चुके हैं उसमें सबसे दूर अब ये लग रहा है लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट लिखेंगे. उसके बाद इट क्या है, फाइव मिनट अगो ये आपको दूर लग रहा है. हम जैसे नजदीक आ रहे हैं तो वैसे अवसर पर चेंजिंग होता जाएगा. उसके बाद जब नजदीक आ जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा ज्यादा दूर होगा उसको बाद में लिखेंगे. तो 5 मिनट अगो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, नाउन हो गया. फिर आगे हम देखते हैं कि ये नाउन से कुछ ज्यादा दूरी हो गया, हाफ एन आवर है इसे हम लिखेंगे हाफ एन आवर है. उसके बाद इससे ज्यादा दूर हो गया टुमोरो, तो टुमोरो को लिखेंगे. और इससे भी ज्यादा दूर हो गया नेक्स्ट वीक, तो सबसे बाद में नेक्स्ट वीक होगा. तो ये इस तरह से अरेंज होगा, ये टाइम पीरियड को इस तरह से अरेंज करेंगे इन 2020, दूसरे में लास्ट ईयर, तीसरे में लास्ट संडे, चौथे में द डे बिफोर यस्टरडे, फिफ्थ में यस्टरडे इवनिंग, सिक्स्थ में लास्ट नाइट, सेवेंथ में 5 मिनट्स अगो, सेवेंथ में नाउन, एट्थ में हाफ एन आवर अगो, और नाइन्थ में टुमारो, टेंथ में नेक्स्ट वीक. तो दिस वॉज
योर वोकैबुलरी एंड टुडे आई एम एंडिंग सेशन. नेक्स्ट क्लास आई विल डू अप फॉरवर्ड इन नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स ऑल गुड क्लासेस.